बरसात के मौसम की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, हाथ पैर, कमर घुटने, जोड़ों का दर्द, अड्डियों का दर्द, जोड़ों में कट कट की आवाज़, सूजन, चलने फिरने में दिक्कत, उठने बैठने में दिक्कत, और यहाँ तक कि आपकी जो अड्डियाँ और जोड़ रहते हैं ना, आपको कुछ भी काम नहीं करने देते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं। और जब बरसात या सर्दियों का मौसम आता है ना, तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात के मौसम में ना तो शरीर को धूप लग पाती है दोस्तों, और ना ही जैसे हम थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कर पाते हैं, तो उसकी वजह से ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मैं आपके साथ ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे आप आजमा कर, एक नुस्खा नहीं है इस वीडियो में, बहुत सारे आपको टिप्स मैं बताने वाली हूँ, जिसमें से कोई भी एक दो आप आजमा लेना, और आपको पूरी बरसात में बिल्कुल भी ये समस्या नहीं आने वाली है। चाहे आप ये नुस्खा अभी देख रहे हैं, चाहे सर्दियों में देख रहे हैं, दोनों मौसम के लिए बेहद ही खास नुस्खा है दोस्तों, तो आप इसको आजमा सकते हैं। सबसे पहले जिनको भी अड्डियो जोड़ों का दर्द है, कट कट की आवाज़ आती है, हाथों पैरों में दर्द है, नसों का दर्द है, तो सभी इसको आजमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अदरक लेनी है दोस्तों। आपने देखा होगा सर्दियों में अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है शरीर की गर्माहट के लिए। अभी जैसे बरसात का मौसम है ना, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है, और शरीर में जितने भी दर्द होते हैं ना दोस्तों, सारे दर्दों से आपको छुटकारा दिलाती है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है मजबूत होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता इसके अंदर होती है। जैसे बारिश में आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ वगैरह हो जाती है, उन सभी से भी छुटकारा दिलाती है आपको। तो आपको जो है ना अदरक का इस्तेमाल करना है, जिनको भी ये समस्या है, रोज़ाना आपको आधा इंच के जितनी अदरक लेनी है। आप अदरक से चाय बनाकर ले सकते हो, काढ़ा बनाकर ले सकते हो। काढ़े में आपको क्या डालना है, कुछ भी नहीं डालना है सिवाय अदरक के। एक गिलास पानी में आप अदरक उबाले, आधा रह जाए, उसके बाद में आप उस पानी को ले सकते हो। हल्का सा गुनगुना रहने पर आपके शरीर को गर्माहट भी देगा और पूरे दर्द से छुटकारा दिलाएगा। जो जोड़ों में सूजन वगैरह होती है उसमें भी फायदा करता है, आपके शरीर में जो है ना विटामिन्स की पूर्ति भी करता है दोस्तों ये। दूसरा, जो इसकी चाय नहीं पीते हैं या फिर आप इसका काढ़ा वगैरह भी नहीं लेना चाहते हैं, दूध लेते हैं ना आप, तो रोजाना आधा इंच आप इसको दूध में बॉईल करके ले लें, तो भी आपके लिए ये बेहद ही फायदेमंद है, आपको ज़रूर लेनी चाहिए, जिनको भी जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द परेशान कर रहे हैं। इसके बाद में अगला नुस्खा आपको बता रही हूँ, क्योंकि किसी किसी को क्या है ना, चाय की आदत होती है ना, वो दूध लेते हैं, दूध या डेयरी मिल्क प्रोडक्ट वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा मैं बता रही हूँ। अगर आप पहले वाला नहीं आजमा रहे हैं तो ये नुस्खा आजमा सकते हो। सारे नुस्खे नहीं आजमाने, इसमें से कोई भी एक दो नुस्खे आप रेगुलर आजमा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपकी रसोई घर में जीरा होता है ना, जिससे आप बघार लगाते हैं, छोंक लगाते हैं, बस वो आपको ले लेना। जीरा आप लेंगे आधा चम्मच, दिन में एक ही बार आपको ये नुस्खा लेना है, आप सुबह सुबह इसे ले सकते हो चाय वगैरह के टाइम पे। तो इसको क्या करेंगे, आप एक गिलास पानी में शाम को भिगोकर छोड़ देंगे। जीरा जो है साफ पानी में भिगो देना है, जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठ के उस पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना, आप थोड़ा सा कम हो जाए, 5-7 मिनट बॉईल करना, पौना गिलास रह जाए, उसके बाद में उसको ढककर छोड़ देना। आप गरम गरम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ढककर छोड़ देना, जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाए ना, बस इसको घूट करके आप पी लेना। इसी तरीके से आप रोज़ाना बनाकर लेते जाएं, ये आपके शरीर में दर्द को पूरा बाहर कर देगा दोस्तों, खींचकर। जितने भी दर्द हैं हड्डियों जोड़ों के दर्द से, जो जोड़ों में सूजन आ जाती है, ग्रीस कम हो जाता है, उसमें भी ये फायदा करेगा। इस तरीके से आजमाना है। इसके बाद में जो अगला नुस्खा आपको मैं बता रही हूँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत जन इसे आजमाते भी होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, बादाम लाने हैं दोस्तों। इसके साथ में आप अखरोट भी ला सकते हो या फिर अकेले बादाम ले सकते हो, लेकिन आपको ज़रूर लेने हैं, या तो बादाम या तो आप इसमें अखरोट मिक्स करके दोनों ले सकते हो। डेली आपको 5-5 गिरी से शुरू करना है, 5 बादाम लेने हैं, उसको पानी में भिगो देना है एक जन के लिए। 15-10 दिन तक आप 5-5 बादाम लेना, उसके बाद में आप बादाम की जो क्वांटिटी है वो 10 कर देना, बढ़ा देना। फिर आप 1-2 महीने इसे 10-10 बादाम भिगो कर लेना सुबह सुबह। शाम को भिगो देंगे पानी के अंदर, सुबह उठ के इसका पानी आपको फेंक देना है, और बादाम जो है ना उसके छिलके निकालने हैं आपको, क्योंकि इसके छिलके में टेनिन नामक तत्व होता है,
वो हजमा नहीं होने देता है अच्छे से दोस्तों। अगर आप चीज़ खाते हैं ना तो उसको हजम नहीं होने देता है, डाइजेस्ट नहीं होने देता है, तो आपको वो नहीं खाना चाहिए। इसका जो छिलका है वो हटा देना चाहिए जिससे आपका हजमा बेटर रहे। अभी इनको भिगोए 3-4 घंटे ही हुए हैं तो ये थोड़े थोड़े भीगकर तैयार हो गए हैं, छिलका आसानी से निकल रहा है। सुबह तक ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, छिलका भी आसानी से निकल जाता है और खाने में भी ये ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं दोस्तों। जैसे ही आप ऐसे ही गिरी उठाकर खाते हैं ना तो वो उतना ज़्यादा फायदा नहीं करती है, भीगे हुए बादाम आपको डबल फायदा करते हैं दोस्तों। और भीगे हुए बादाम आप 5 से 10 खा सकते हो, बच्चों को तो 5 ही देना अगर आप देते हैं, बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जिनको समस्या है ना उनको 10 बादाम तक ले लेने चाहिए। शुरुआत में 5 से आप लें, हफ्ता 2 हफ्ता और फिर 10 कर दें, क्योंकि एकदम से आप कोई भी चीज़ लेते हैं ना तो डाइजेस्ट होने में उसको टाइम लगता है, तो इसलिए आप धीरे धीरे जैसे बताया आपको वैसे शुरू करना और 2-3 महीने तक इस नुस्खे को करना। क्योंकि जिनको भी अडियो जोड़ों की समस्या होती है ना दोस्तों, वो आपको 2 दिन में 4 दिन में सिर्फ हल्का सा फ़ायदा नज़र आ जाएगा आपको 15 दिन में, लेकिन पूरा जड़ से ठीक करने के लिए आपको कुछ समय इसमें लगेगा। तो आपको 2-3 महीने लगातार ये नुस्खे आजमाने हैं। इसके बाद में आपको जैसे आप सुबह बादाम खा लेंगे तो आप इसके ऊपर से पानी ले सकते हो 1 गिलास, जिनको जैसे दूध वगैरह नहीं लेते हैं जो, अगर आप दूध लेते हैं तो सबसे बेस्ट है दोस्तों। दूध आपके हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत बढ़िया होता है, कैल्शियम की मात्रा इसमें भरपूर होती है जो आपकी हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है दोस्तों। दूध में प्रोटीन होता है, विटामिन B2, विटामिन B12 जो सबसे ज़रूरी है शरीर के लिए, फास्फोरस, आयोडीन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होने के कारण इसको संपूर्ण आहार बोला गया है दोस्तों। दूध जो होता है आपको डेली लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। इसके साथ साथ अगली एक और चीज़ दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया होती है, आपको रोजाना 1 गिलास पानी में दिन में किसी भी समय, खाना खाने के बाद में, खाना खाने के पहले, 1 नींबू और 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इसका रस मिलाकर जरूर लेना है। बहुत बढ़िया होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ के साथ आपको जो है ना शरीर में विटामिन की पूर्ति करता है। धीरे धीरे करके सारे दर्द जड़ से ख़त्म होते हैं दोस्तों। किसी किसी को वहम होता है कि नींबू लेने से, खट्टा लेने से दर्द और बढ़ जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आप इसे गुनगुने पानी में ले सकते हो, 1-2 दिन लेकर देखिए, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो कुछ दिन और ले लें। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हर चीज़ जो होती है ना हर शरीर में सूट नहीं होती है दोस्तों, हर किसी को सूट नहीं होती है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ लग रहा है तो आप बंद कर सकते हो 1-2 दिन के बाद, लेकिन आप आजमा कर देख सकते हो। तो ये थे हमारे आज के कुछ नुस्खे दोस्तों, इसमें से कोई भी 2-3 नुस्खे आप आजमा सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।